सम्मान मान से देखोगे अभिनंदन हो जाएगा, एक भावी वरण करोगे वंदन हो जाएगा, आदर और सम्मान से अगर शीश झुकाओगे तो अपने घर की माटी में वृंदावन हो जाएगा। बहुत मन के साथ बहुत प्यारे शायर भाई शकील जठेड़ी जी को सुनिए, पहला कवि है और पहले कवि को सुनने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत होती है। एक शायर लिखता है कि नई नई आंखें हों तो हर नई नई आंखें हों तो हर मंजर अच्छा लगता है, कुछ दिन शहर में घूमे लेकिन अब घर अच्छा लगता है, अरे मिलने जुलने वालों में तो सारे अपने जैसे हैं, जिससे अब तक मिले नहीं वो अक्सर अच्छा लगता है। तो पहली मुलाकात शकील जठेड़ी जी जो एक माइक इधर ले आओ। हेलो, सभी को शुभ संध्या। दिल्ली विद्यापीठ के प्रांगण में उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, अभिभावकगण, अध्यापकगण, प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल्ली विद्यापीठ में, दिल्ली विद्यापीठ संस्था द्वारा और मेरे द्वारा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपने अपना कीमती समय निकालकर जो यहाँ उपस्थित हुए हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली विद्यापीठ के संस्थापक श्री वीर सिंह सैनी जी बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। इनका हसमुख स्वभाव, इनका बड़ा दिल होना, समाज सेवी होना हम सभी को पता है। समय समय पर इस स्कूल में वे बहुत सारी प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, खेलकूद, बहुत सारी गतिविधियां कराते रहते हैं। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है और जहां आपका और हमारा दिमाग तक नहीं पहुंचता, कुछ ऐसी गतिविधियां भी ये कराते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, विदेश चले जाते हैं और वृद्ध आश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या बात है। उसी चीज़ को देखते हुए इन्होंने पिछले दिनों एक कार्यक्रम कराया जिसमें दादा दादी, पोता पोती सबको बुलाया और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ हुआ। इससे दादा दादी और पोते पोती में एक जो लगाव, एक प्यार, प्रेम, एक स्नेह पैदा हुआ। फिर आजकल फास्ट फूड की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, इन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम कराया जहाँ तक हमारा दिमाग नहीं पहुँच सकता। इन्होंने मोटे अनाज का के लिए एक प्रोग्राम कराया और बहुत सारे मोटे अनाज से जो है पकवान बनाए गए और लोगों को दिखाया कि भी मोटे अनाज में कितना हमारे लिए फायदा है। तो इसी तरह के बहुत सारे ये कार्यक्रम कराते रहते हैं, समय समय पर कवि सम्मेलन कराते रहते हैं, बड़े बड़े मुशायरे कराते रहते हैं जी। और इनके संरक्षण में दिल्ली विद्यापीठ परिवार के सहयोग से और अभिभावकों के सहयोग से, छात्रों के सहयोग से ये संस्था दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रही है। यहाँ से छात्र अपने उज्जवल भविष्य को बनाते हैं। यहाँ के छात्र मैंने देखे हैं बड़ी बड़ी नौकरियों पर, बड़े बड़े पदों पर पहुँचे हैं। तो मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि ये संस्था इसी तरह दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करती रहे। और मेरे ख्याल से कवित्री जी शायद जी आपसे ठीक है। तो शिक्षा के उजाले के हिसाब से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ जी। रात काली तो उजाले से मिटेगी, रात काली तो उजाले से मिटेगी, पीर कांटों के निकाले से मिटेगी। रात काली तो उजाले से मिटेगी, पीर कांटों के निकाले से मिटेगी, और आपकी बातें भी देती हैं तसल्ली,
आपकी बातें भी देती हैं तसल्ली, भूख रोटी के निवाले से मिटेगी, भूख रोटी के निवाले से मिटेगी। और महफिलों में जाम छलकाते बहुत हो, महफिलों में जाम छलकाते बहुत हो, प्यास तो पानी के प्याले से मिटेगी, प्यास तो पानी के प्याले से मिटेगी। और कुछ इस प्रकार भी देखना जी, पूछ लोगे पास जाकर हाल जो बीमार का, पूछ लोगे पास जाकर हाल जो बीमार का, फूट कर बहने लगेगा एक झरना प्यार का, फूट कर बहने लगेगा एक झरना प्यार का। सोचना अंजाम क्या जब आ पड़े आफत कभी, सोचना अंजाम क्या जब आ पड़े आफत कभी, फर्ज बनता है हमारा साथ दे हम यार का, फर्ज बनता है हमारा साथ दे हम यार का। और मांगता वो कुछ नहीं है सिर्फ इतनी बात है, मांगता वो कुछ नहीं है सिर्फ इतनी बात है, दाद देने से बढ़ेगा हौसला फनकार का, दाद देने से बढ़ेगा हौसला फनकार का। और एक गजल तरन्नुम से जी, मत छोड़ना कसर कभी अपनी उड़ान में जी, तवज्जो के साथ सुनिए, मत छोड़ना कसर कभी अपनी उड़ान में, मत छोड़ना कसर कभी अपनी उड़ान में, होते नहीं दरख्त वहां आसमान में, होते नहीं दरख्त वहां आसमान में, कश्ती उतारते कश्ती उतारते यहाँ, सीख कर हुनर कश्ती उतारते यहाँ, सीख कर हुनर बनते बहुत भंवर हैं नदी के तूफान में, बनते बहुत भंवर हैं नदी के उफान में, कश्ती उतारते हैं यहाँ, सीख कर हुनर कश्ती उतारते हैं यहाँ, सीख कर हुनर बनते बहुत भंवर हैं नदी के उफान में, उसको मिला मकाम, उसको मिला मकाम, सफर जिसने तय किया उसको मिला मकाम, सफर जिसने तय किया, चल कर नहीं है आती मंजिल मकान में, चल कर नहीं है आती मंजिल मकान में, लंबा है तैरना तुझे, लंबा है तैरना तुझे, लंबा है तैरना तुझे सागर के पार तक, लंबा है तैरना तुझे सागर के पार तक, देखो न डूब जाओ कहीं दरमियान में, देखो न डूब जाओ कहीं दरमियान में,
अगला शेर मैंने अपनी बहनों, माताओं और बेटियों के नाम लिखा है, जैसा कि आजकल माहौल हो गया है, देखना जरा। जंगल भरे पड़े हैं दरिंदों से हर तरफ, जंगल भरे पड़े हैं दरिंदों से हर तरफ, अच्छा हो एक तीर चढ़ा लोकमान में, सुनने लगे शकील तवज्जो के साथ वो, सुनने लगे शकील तवज्जो के साथ वो, कहने लगा गजल जो मैं उर्दू जवान में, कहने लगा गजल जो मैं उर्दू जवान में। जी आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।